नॉर्दर्न रेलवे में उत्तर प्रदेश के लिए एक नया आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के मुताबिक लखनऊ डिवीजन के 8 स्टेशन के नाम बदलने का आधिकारिक तौर पर ऐलान किया गया है। उत्तर रेलवे की तरफ से जारी आदेश के अनुसार जिन स्टेशन के नाम बदले गए हैं वो हैं जाय स्टेशन, अकबरगंज स्टेशन, फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन, वारिसगंज हॉल्ट स्टेशन, निहालगढ़ स्टेशन, बनी रेलवे स्टेशन, मिसरौली स्टेशन और कासिमपुर हॉल स्टेशन के नाम। ये सभी रेलवे स्टेशन अब नए नाम से जाने जाएंगे। आपको बता दें कि इन सभी रेलवे स्टेशन के नाम अब धार्मिक स्थल, आध्यात्मिक गुरुओं, स्वतंत्रता सेनानियों, संतों या फिर महापुरुषों के नाम पर रखे गए हैं। कासिमपुर हॉल स्टेशन का नाम जायस सिटी रखा गया। जायस रेलवे स्टेशन का नाम गुरु गोरखनाथ धाम पड़ा। मिश्रौली स्टेशन अब माँ कालिकन धाम के नाम से जाना जाएगा। बनी रेलवे स्टेशन का नाम अब स्वामी परमहंस स्टेशन रखा गया है। निहालगढ़ स्टेशन का नाम बदलकर महाराजा बिजली पासी रखा गया। अकबरगंज स्टेशन अब से माँ अहोरवा भवानी धाम के नाम से जाना जाएगा। वारिसगंज हॉल स्टेशन का नाम भी बदल दिया गया है। ये स्टेशन अब अमर शहीद भाले सुल्तान होगा। फुर्सतगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर तपेश्वर धाम किया गया है। अमेठी के पूर्व सांसद और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने इन्हीं में से कुछ जगहों को सांस्कृतिक पहचान दिलाने और यहाँ की विरासत को सुरक्षित और संरक्षित करने की मांग रखी थी। स्मृति ईरानी की पहल के बाद ही इन स्टेशंस का नाम भी बदल दिया गया। अब आपके मन में ये विचार जरूर चल रहा होगा कि किस बेसिस पर इन स्टेशंस का नाम बदला गया है और किस बेसिस पर इनका नामकरण किया गया है। तो आपको बता दें कि ये सारे नाम डिसाइड किए गए हैं इनके लोकल कनेक्शन को ध्यान में रखते हुए। मिश्रौली स्टेशन का नाम अमेठी के संग्रामपुर ब्लॉक में स्थित माँ कालिकन धाम शक्तिपीठ के नाम पर रखा गया। ऐसी मान्यता है कि यहाँ मौजूद कुंड में स्नान करने से आंखों से जुड़ी बीमारियां दूर हो जाती हैं। साथ ही ये च्यवन मुनि की भी तपोस्थली है। कासिमपुर हॉल स्टेशन का नाम जायस सिटी होगा। जायस एक अमेठी का कस्बा है। बता दें कि मलिक मोहम्मद जायसी जायस के ही रहने वाले थे जिन्होंने पद्मावत की रचना की थी। वहीं जायस रेलवे स्टेशन को अब गुरु गोरखनाथ के नाम से जाना जाएगा। गुरु गोरखनाथ संप्रदाय के पहले योगी थे। गुरु गोरक्ष ने पूरे भारत का भ्रमण किया और अनेकों ग्रंथों की रचना भी की। उनका मंदिर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित है, जिसके प्रमुख उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। बनी रेलवे स्टेशन का नाम स्वामी परमहंस के नाम पर रखा गया है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस एक महान संत, आध्यात्मिक गुरु और विचारक थे। वे बंगाल के रहने वाले थे। उन्होंने धर्मों की एकता पर जोर दिया था। इसके इतर अमेठी के निहालगढ़ स्टेशन का नाम महाराजा बिजली पासी के नाम पर किया गया है। महाराजा बिजली पासी पासी समुदाय के राजा थे। बताया जाता है कि इस इलाके में पासी समुदाय की अच्छी खासी आबादी रहती है, जहां ज्यादातर किसान रहते हैं। 18वीं और 19वीं शताब्दी के ब्रिटिश गैजेटियर के अनुसार महाराजा बिजली पासी पृथ्वीराज चौहान और जयचंद के समकालीन थे। रायबरेली स्थित अकबरगंज स्टेशन का नाम माँ अहोरवा भवानी धाम कर दिया गया है। माँ अहोरवा भवानी धाम मंदिर यूपी के अमेठी में स्थित है। मान्यता है कि इस मंदिर की स्थापना खुद पांडवों ने की थी। बताया जाता है कि इस मंदिर में स्थापित देवी की मूर्ति दिन में 3 बार अपना रूप बदलती है। वारिसगंज हॉल स्टेशन को भाले सुल्तान की बहादुरी के लिए जाना जाता है, इसलिए इसका नाम शहीद भाले सुल्तान के नाम पर रख दिया गया है। बताया जाता है कि 1857-58 में हुए युद्ध में भाले सुल्तानों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया था। ये भी कहा जाता है कि भाले सुल्तानों ने अंग्रेजों को युद्ध के मैदान में 7 बार हराया। तपेश्वर धाम अमेठी के बहादुरपुर में है। मान्यता है कि वहां स्थापित शिवलिंग स्वयं है। यहां पर कई बार मंदिर बनने की कोशिश की गई, लेकिन मंदिर का निर्माण नहीं हो सका। भगवान भोलेनाथ की इसी तपस्या को देखते हुए इस मंदिर का नाम तपेश्वर नाथ धाम रखा गया है। सवाल यह है कि यह नाम बदलने का अधिकार किसके पास होता है? क्या केंद्रीय सरकार के पास राइट्स होते हैं, या फिर राज्य सरकार के पास, या फिर रेल मंत्रालय के पास? तो आपको बता दें कि स्टेशन के नाम बदलने का फैसला राज्य सरकारों के पास होता है। राज्य सरकार ही फैसला करती है कि किन स्टेशंस के नाम में बदलाव किए जाएंगे। नया नाम निर्धारित होने के बाद राज्य सरकार उसे गृह मंत्रालय, नोडल मंत्रालय के पास भेजती है। वहां पर इसको जैसे ही हरी झंडी मिलती है, नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। लेकिन हाँ, इस दौरान इस बात का भी खास ख्याल रखा जाता है कि उस नाम का कोई पहले से रेलवे स्टेशन ना। फिलहाल नाम बदलने को लेकर सपा अध्यक्ष अखिलेश ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि नाम बदलना तो ठीक है, लेकिन नाम के साथ साथ रेलवे के हालात को भी
बदलना चाहिए। गौरतलब है कि उनका निशाना आए दिन होने वाले रेल हादसे और रेल दुर्घटनाओं को लेकर ही था। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।